जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो दिसंबर का महीना या नवंबर आखिरी का महीना जो हमारे बीच आ चुका है, तो इस समय में बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जो हमें अपने बगीचों से संबंधित करने होते हैं। अपने बगीचों का रख रखाव, कौन सी डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए हम अभी कार्य कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए ये उपयुक्त समय है। इस वक्त प्लांट ऑलमोस्ट डोरमेसी में जा चुका है, तो जो सर्दी के काम है वो शुरू हो चुके। अब सबसे पहले तो बागवान भाइयों, में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो अभी का वक्त है वो बहुत ही क्रिटिकल वक्त होता है। तो बागवान भाइयों, आजकल बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे पास आ रहे थे, आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारियाँ देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले तो जो एक क्वेश्चन ज़्यादा ट्रोल हो रहा है आजकल के, जो हमारा TSO है, हमारा विंटर ऑयल है, उसको किस रेशियो से और कब करने का सही समय है। तो बागवान भाइयों, आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे बागवान जिनके स्केल की प्रॉब्लम ज़्यादा है या आपके वुलियाफिट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो बागवान भाइयों, आप लोगों के लिए जो दिसंबर का मंथ है वो बहुत ही उपयुक्त हो जाएगा, कि खास तौर पर लोअर मिडल हाइट में आप यहाँ पर दिसंबर वक्त महीने में TSO की स्प्रे कर सकते हैं, लगभग 7 लीटर 200 लीटर पानी में डाल के। और इसके साथ आप इंसेक्टिसाइड भी ऐड कर सकते हैं, कि अगर आपके वुलियाफिट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी तो आप इसमें क्लोरोफोरोफॉस टाइप 400 ml 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर हो सके तो प्रूनिंग से आप इसको पहले कीजिए, और 1 महीने के बाद आपके जनवरी लगभग में आपकी प्रूनिंग शुरू हो जाएगी, तो हो सके तो पहले कर दीजिए। अगर बहुत सारे बागवान ऐसे जो सर्दी में हाइट्स में होते हैं और वहाँ बर्फ़ से पौधे टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो आप लोगों को उसके बाद भी आप कर सकते हैं, मगर उस शर्त के आधार पे कि जो आपके छिट्टियाँ गिरेगी नीचे, जो वेजिटेटिव ग्रोथ आप प्रूनिंग कर से कट करेंगे, उसको आप डिकम्पोस्ट करें, उसको एक गड्ढे के अंदर डाल के या ऊपर से यूरिया डाल के, या वेस्ट डिकम्पोजर अवेलेबल इजीली मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, तो आप उससे एक अच्छी खाद बना सकते हैं, मगर डिकम्पोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। SO आपका समर ऑयल है, TSO आपका विंटर ऑयल है, SO आप आगे जब आपके हाफ इंच ग्रीन आ जाएगी तो 4 लीटर का डोज, और अपने पीनट साइज के आसपास आप जब फ्रूटिंग होगी तो 2 लीटर का वो SO है, रिफाइंड है ज़्यादा। मगर बहुत सारी जगह ये देखा गया कि अभी के TSO करके आपको आगे एक, जब आप मार्च में फ्लावरिंग आगे की यूनिफॉर्म फ्लावरिंग्स आती है, और जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब से हमारे स्पर वैरायटी ज़्यादा आई है और ये बेंडिंग प्रैक्टिस जब से चली है, तो आपने देखा होगा कि हमारे स्केल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त। तो जब स्केल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमें अभी से अपनी तैयारियां करनी होगी। TSO के साथ आप कुछ मिक्स मत कीजिए, इंसेक्टिसाइड वो ऑलरेडी खुद है, वो दम घोट के स्केल को मारता है, मगर हमें ये एक चीज़ देखनी होगी कि हम जो इंसेक्टिसाइड उसमें ऐड करते हैं वो वुलियाफिड या और प्रभावी तरीके से करने के लिए उसमें इंसेक्टिसाइड ऐड किया जाता है, अदरवाइज उसमें इंसेक्टिसाइड की, अगर आपके वुलियाफिड की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको TSO के बीच इंसेक्टिसाइड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम करेंगे उतना हमारे फ्रेंडली कीड़ों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, आगे आपकी प्रॉब्लम्स कम आएगी, माइट कंट्रोल होगी, और तो सारे इन्वायरमेंट भी खराब नहीं होगा, और हम सबसे मेनली जो हमारे हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, और एक आगे जिनको हम परचेज भी करते हैं तो उनके पास भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड फ्री या केमिकल फ्री फ्रूट जाने के, जहां आप हो सके अपने पैसों को अपने बचाए, और सबसे पहले आप TSO कीजिए, उसके बाद आप बोडो मिक्सचर प्रूनिंग के बाद कर सकते हैं।